हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व है और इस त्योहार का इंतजार देश भर के लोग बड़ी बेसब्री के साथ करते हैं। होली की खासियत है कि इसे सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। होली से पहले होलिका दहन होता है जिसे छोटी होली कहा जाता है। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार होलिका दहन की डेट को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है। ऐसे में आइए दूर करते हैं आपकी कंफ्यूजन और बताते हैं कि किस दिन होगा होलिका दहन। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली होती है। इस साल होलिका दहन के काफी कम समय तक ही शुभ मुहूर्त रहेगा। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक होलिका दहन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के ठीक बाद की अवधि के दौरान किया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। इस तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा यानी अशुभ समय प्रबल रहता है, इसलिए भद्रा के दौरान किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। होलिका दहन शुभ मुहूर्त। होलिका दहन 7 मार्च 2023 को किया जाएगा। इसके साथ ही 8 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:24 से 8:51 तक रहेगा, यानी होलिका दहन के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे 27 मिनट तक का ही समय मिलने वाला है। इस अवधि में होलिका दहन करना उत्तम होगा। भद्रा मुख समय 7 मार्च को दोपहर 2:58 से शाम 5:06 तक। होलिका दहन पूजा विधि। शास्त्रों के मुताबिक होलिका दहन से पहले होलिका माई की पूजा विधिवत तरीके से करने का विधान है। होलिका दहन के दिन सूर्योदय के समय सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अब होलिका दहन वाले स्थान पर जाएं। यहाँ पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और प्रह्लाद की प्रतिमाएं बनाएं। अब हाथ धोकर पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। अब होली अक्षत फूल माला हल्दी मूंग बताशे गुलाल रंग 7 प्रकार के अनाज गेहूं की बालियां गन्ना चना इन सबको एक एक करके अर्पित कर दे। इसके साथ ही भगवान नरसिंह की पूजा भी कर ले। होलिका पूजन के बाद कच्चा सूत से होलिका की 5 या 7 बार परिक्रमा करके बांध दे। इसके साथ ही सुख समृद्धि की कामना करें। होलिका दहन के समय अग्नि में जौ या फिर चावल जरूर डालें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होलिका दहन में ना करें ये गलती। होलिका दहन में झाड़ या सूखी लकड़ियां जलाई जाती हैं। इसमें कभी भी आम वट और पीपल की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। दरअसल फाल्गुन में इन तीनों पेड़ों की नई कोपले निकलती हैं, इसलिए इन्हें जलाना वर्जित होता है। आप गूलर या अरंड के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से होलिका दहन के इस पावन त्योहार को आप विधि विधान के साथ मना सकते हैं।